Hi guys, I hope you all are doing well. In today's video, I will discuss introduction questions. The topic is talent, मतलब प्रतिभा. So without wasting any time, let's start today's video. Example of talent. जो talent है उसके example देख लेते हैं कि आप कौन सी चीज़ यहाँ पे बोल सकते हो? अगर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनमें से आपसे पूछा जाता है तो इनमें से आप कोई भी टैलेंट का नेम बता सकते हो जैसे कि एक्टिंग कॉमेडी डांसिंग मैजिक पेंटिंग प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट पोइट्री सिंगिंग स्विमिंग रीडिंग स्टोरी टेलिंग राइटिंग लिसनिंग पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन टाइम मैनेजमेंट स्टेइंग सेम punctuality, money management, etc. So in ways इसे किसी का भी name बता सकते हो आप. The first question of this video is, do you have a talent or something you are good at? तो इस question में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास talent है, आपके पास प्रतिभा है और या फिर आ, ऐसी कोई चीज़ है जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो द आंसर ऑफ दिस इज आई थिंक मुझे लगता है एवरी वन इज़ बॉर्न विद सम टैलेंट कि जो हर एक इंसान किसी न किसी टैलेंट किसी न किसी प्रतिभा के साथ जन्म लेता है आई ऑल्सो हैव अ टैलेंट मेरे पास भी टैलेंट है ऑफ डूइंग पेंटिंग पेंटिंग करने का मेरे क्या है टैलेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन है वाज इट मास्टर्ड रिसेंटली और व्हेन यू वर यंग इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने इसमें महारत अभी अभी प्राप्त की है या फिर जब आप छोटे थे मास्टर्ड का मतलब होता है महारत हासिल करना द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई डिस्कवर्ड इट मैंने इसको डिस्कवर किया था इसकी खोज की थी मैन आई वॉज इन सिक्स क्लास जब मैं सिक्स क्लास में थी इन माई स्कूल मेरे स्कूल में मतलब कि मेरे को तब इसके बारे में पता चला था कि मेरे में ये टैलेंट है my drawing teacher told me regarding painting. मैं ड्राॅइंग टीचर टोल्ड मी रिगार्डिंग पेंटिंग जो मेरे ड्राॅइंग टीचर हैं उन्होंने मेरे को पेंटिंग के बारे में बताया था एंड और हेल्प मी टू मास्टर इन दिस और उन्होंने मेरी सहायता की थी इसमें महारत हासिल करने में नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक योर टैलेंट कैन बी यूज़फुल फॉर योर फ्यूचर वर्क वाई तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि जो आपका प्रतिभा है जो आपका टैलेंट है वो यूज़फुल हो सकता है लाहेबंद हो सकता है जो आपके फ्यूचर के काम है उसमें और क्यों वाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस हाँ आई कंसिडर दैट मुझे लगता है कि माई टैलेंट जो मेरा टैलेंट है मेरी प्रतिभा है लाइक कैनी अदर टैलेंट जैसे कि दूसरे टैलेंट हैं उनकी तरह ही कैन बी यूज़फुल हो सकता है यूज़फुल फॉर माई फ्यूचर वर्क जो मेरे फ्यूचर के काम है उनमें बिकॉज क्योंकि बाई सेलिंग माई पेंटिंग्स जो मेरी पेंटिंग्स हैं उनको बेच कर सेल मतलब बेचना उनको बेच कर आई कैन अर्न अ लिविंग मैं पैसे कमा सकती हूँ एंड और पास माई टाइम प्रोडक्टिवली और जो अपना समय है उसको भी प्रोडक्टिवली पास कर सकती हूँ व्यतीत कर सकती हूँ अपना समय प्रोडक्टिवली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ़ दिस वीडियो इज डू यू थिंक एनी वन इन योर फैमिली हैज़ द सेम टैलेंट तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि आपकी फैमिली में कोई भी एक ऐसा इंसान है जिसके पास ये सेम टैलेंट है द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस हाँ माई फादर एंड यंगर ब्रदर हैव सिमिलर टैलेंट्स जो मेरे फादर हैं जो मेरे पिताजी हैं और जो मेरा छोटा भाई है उन दोनों के पास इसी तरह का टैलेंट है समटाइम्स कभी कभी माय फादर आल्सो टेल्स मी अबाउट वेरियस थिंग्स जो मेरे पिताजी हैं वो मेरे को बताते हैं काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में विच मेक वन पेंटिंग जब बनाती हैं एक पेंटिंग को मोर रियल ज़्यादा असली वाली एंड और ब्यूटीफुल और सुंदर और आप इस तरीके से भी आंसर कर सकते हो इसी क्वेश्चन का टू बी ऑनेस्ट सच बताऊं देर इज़ नो वन इन माय फैमिली कि मेरी फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं है हु हैज़ द सिमिलर टैलेंट जिसके पास ये सेम टैलेंट हो सेम टैलेंट का मतलब यहाँ पे था जो टैलेंट का नेम आपने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में बताया जैसे कि मैंने पेंटिंग बताया है तो वो जो टैलेंट है वो आपकी में फैमिली में किसी एक मेंबर में या फिर किसी दो में है या नहीं तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी थी जो भी आप टैलेंट बताओगे अगर आपके पेरेंट्स में या फिर आपके भाई बहन में है तो आप उस तरीके से यहाँ पे बता सकते हो अगर नहीं है तो आप नीचे जैसे मैंने इसका आंसर बताया है वैसे बता सकते हो फॉर दिस वीडियो आज की वीडियो खत्म होती है वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हो शेयर कर सकते हो इस वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो एंड यू कैन आल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस रिलेटेड टू आस सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय एंड टेक केयर